हमारी चाय हो चुकी है फ्रेंड्स रेडी, अभी सब लोगों को चाय लेकर आते हैं। तो क्या कर ले रहे फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11, आज है मुहर्रम की 10 तारीख। आज हमारे यहाँ ये दाल है, ये गेहूँ है, उसने सारी दाल चावल वगैरह सब मिक्स कर दिए इसमें। दाल देखे मम्मा गेहूँ छानने, आज हमारे घर पे हलीम बनेंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स तो मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज है 10वीं मुहर्रम का दिन, तो आज बनेगी हमारे यहाँ पर हलीम की देग। तो देग की तैयारी कर दी है शुरू बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गेहूँ को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और हस्बैंड को लगा दिया है कूटने के लिए, क्योंकि गेहूँ की क्वांटिटी है ज़्यादा, करीब 5 किलो गेहूँ है। तो मैंने हस्बैंड से बोल दिया था आप गेहूँ को कूट दो उस, क्योंकि मैं नहीं कूट सकती थी, मेरा है रमज़ान, हस्बैंड का रमज़ान नहीं है, इसलिए तो हस्बैंड ने गेहूँ कूट दिए हैं। तो अंदर मैं ले आई हूँ, उनको मैंने पानी में गलारने रख दिया धोकर अच्छे से। और अब यहाँ पर मैं सभी दालों को धो रही हूँ जो उसमें डलती हैं हलीम के अंदर। तो यहाँ पर चावल दाल है, सिर्फ एक अरहर की दाल नहीं पड़ती, बाकी सभी दालें पड़ती हैं इसमें। तो यह सब मैं अच्छी तरह से धो के रखूँगी इनको गलाने के लिए, अच्छे से फूल जाएँ। और गेहूँ को मैं फिर से एक बार धो लूँगी इसका पानी निकाल के, क्योंकि इनमें लगता है टाइम गेहूँ को गलने में, तो इसलिए इनको गला के रखना पड़ेगा, क्योंकि शाम को 8 बजे से करीब देग चढ़ जाएगी हमारी। तो यहाँ पर ये सबको मैं भिगो के रख देती हूँ अच्छे तरीके से। तो उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ ये चने की दाल भी है, ये भी मैं भिगोऊंगी, तो मैंने निकाल ली है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा था, मैंने 9वीं मुहर्रम को भी रमज़ान रखा था, तो आज 10वीं मुहर्रम का भी मेरा रमज़ान हैगा। तो जो भी तैयारी है सारी मुझे ही करनी है। तो अभी मैंने सभी दालें वगैरह गला के रख दी हैं। आज हमारे यहाँ बनेगा हलीम, इसकी मैंने तैयारी कर दी है। अभी आप लोगों ने देखा था हस्बैंड ने गेहूँ कूट दिए हैं और मैंने ला के उनको सबको भिगो दिया है, सब चीज़ मैंने भिगो के रख दी है। ये दाल है, ये गेहूँ है, इसमें सारी दाल चावल वगैरह सब मिक्स कर दिए, इसमें जौ है, सब चीज़ की प्रिपरेशन मैंने कर दी है, क्योंकि शाम से बनना स्टार्ट होगा और नेक्स्ट दिन खिलाया जाएगा, सभी लोग खाने के लिए आएंगे, तो पूरी देर बनेगी। और सारी तैयारी हो चुकी है फ्रेंड, और इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत ही ज़्यादा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर इवनिंग टाइम तस्वीर सीने में मौत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी देग चढ़ गई है, आग जला दी और उसमें पानी भी डाल दिया है, अभी इसमें पानी और पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी लोग लग गए हैं तैयारी में, तो यहाँ पानी डाल दिया है। और मैं भी आज कोई अफ्तारी के लिए कुछ नहीं बना रही हूँ, बस जो खाना बनेगा सभी का उसी के साथ मैं अफ्तारी अपनी कर लूँगी जो भी बनेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और इसकी भी तैयारी करनी है इस वजह से। तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर अभी पानी डाल दिया था उबालने, तो उसमें अच्छे खासा उबाल आ गया। तो उसमें डाल दूँगी मैं पहले हल्दी, क्योंकि फिर हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मैंने रमज़ान अफ्तार लिया था, तो ये मैं इसमें जो भी मसाले डालते हैं पहले ही डाल दूँगी। और अब डालने के लिए लाई हूँ मैं इसमें गेहूँ। तो ये जो मेरे भाई वगैरह हैं सभी आ गए थे, मामू के बेटे, खाला के बेटे, सबको बुला रखा था, क्योंकि देख है काफ़ी बड़ी। तो यहाँ पर जो भी सब कुछ डलने का है उसे मैं डाल जा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। फ्रेंड्स, अभी नंबर खाना बनाने के लिए सभी लोगों के लिए यहाँ बना कर आगे रख दिया है, और मेरा सालन भी बन चुका है बस। और जो है काम करना तो वो कर रही हूँ, अब बाकी मेरा है सभी लोग बॉयज़ लोग करेंगे, गर्ल्स लोग हैं जो सब करेंगे, जो भी हलीम में डालना था सब मैं डाल कर आ चुकी हैं।
बनाना रह गया बस को, खाना खाने के बाद सब लोग खा लें तब बनाऊंगी मैं। तो अभी पहले रोटियाँ बना देती हूँ, सब लोग खाना खा लें फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बेटी से बोल दिया था कि सभी लोगों से पूछ लो खाना कहाँ पर खाएंगे, तो सभी लोगों ने बोला बाहर ही खाएंगे अंदर नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर बेटी ने बाहर ही दस्तरखान लगा दिया था, तो मैंने कलन वगैरह सब निकाल के दे दिया, बोला बाहर ही लगा दो, जब बाहर की बोल रहे हैं सब लोग खाने के लिए। तो यहाँ बेटी ने दस्तरखान लगा दिया है और मैं अपने अंदर रोटियाँ बना रही हूँ, और जो भी कुछ सूट किया है बेटियों ने सूट कर लिया है, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं था, काम ज़्यादा था। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए हैं अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। तो गाइस सभी ने खाना खा लिया है, सब लोग और सभी लोग लगे हैं हेलिंग तो घोटने। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ मसाला डालने के लिए उसमें, क्योंकि धीरे धीरे जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उसको डालने जा रही हूँ। तो ये डाल कर आती हूँ मसाला जाके, बाकी क्या करूँ बर्तन डालिए धोने के लिए, सभी लोगों ने खाना खाया था। सो गाइस देखो ये छोटा बच्चा हलीम बना रहा है, सारी मेहनत इसने करी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी बारी बारी से हलीम की घोटाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको हम घोटेंगे नहीं चलाएंगे नहीं तो ये हमारा नीचे से लग जाएगा और इसका टेस्ट भी बेकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 11, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 11 बजे तक हम लोग जल्दी सो जाते हैं, हम लोग इतना लेट नहीं जगते, आज जग रहे हैं इसलिए बोला मैंने। हाँ बन रही है सभी के लिए चाय बनाने रख दी है मैंने, हमारी चाय हो चुकी है फ्रेंड्स रेडी। तो गाइज़ मैं यहाँ सब लोगों के लिए चाय ले आई हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, बस ऐसा मन कर रहा है कि जाके लेट जाऊँ और सो भी नहीं सकती मैं, अगर मैं सो गई तो सारा काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे सालन भी तैयार करना है इसमें डालने के लिए, तो सारी जिम्मेदारियाँ आई भी मेरे ऊपर, तो सोना तो बहुत दूर रहा और इतनी गर्मी पड़ रही है ऊपर से कुछ कह नहीं सकते हम। सब लोगों को चाय दे दी, अब चलते हैं अंदर बनाते हैं गोश्त हलीम के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 4:30 और हमारा हलीम तैयार हो चुका है, उसमें सिर्फ बघारना बाकी रह गया था। तो मैं ये अंदर तड़का तैयार कर लाई हूँ और तड़का लगा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने देग में बनाए थे भगोने में तड़का लगाया, मैंने देग में भी है हलीम और ये एक्स्ट्रा हो गया था इसलिए भगोने में निकाला था। ये आधा भगोना है, आप लोगों को शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए मैंने देग में भी तड़का लगा दिया था, बस मिक्स नहीं किया है। तो हमारा हलीम तैयार हो चुका है, आग वगैरह भी बुझा दी है, बस अब इसको खिलाने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हलीम में नियाज लग चुकी है, तो पहले सबसे पहले मैंने इन्हें तीनों भाइयों को बैठा दिया था, मैंने कहा पहले तुम लोग ही टेस्ट करो कैसा बना है, क्योंकि ये रात भर लगे हुए थे तो सबसे पहले इन लोगों से ही बोल दिया था खाने। कैसा लगा आप लोगों का आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने ब्लॉग का भी करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।